नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन संबंधी जो मैसेजेस करदाताओं को भेजे उनमें सबसे ज्यादा ऐसे करदाता परेशान हो रहे हैं जिनके क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के रूप में रिपोर्ट हुए। अब क्योंकि क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन नेचुरली बहुत सारे लोग काफी मात्रा में कर लेते हैं और ये भी देखा गया है कि क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन दोस्तों जनरली थर्ड पार्टीज के लिए भी यूज किए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्वेश्चन आता है कि हाई वैल्यू रिपोर्टिंग के लिए जब आप ई कैंपेन में जाकर के क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर अपना फीडबैक देने के लिए तत्पर हैं तो आपको क्या फीडबैक देना चाहिए या क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस को आपको अल्टीमेटली इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से किस प्रकार से समझना चाहिए। तो दोस्तों इसी विषय पर आज की ये वीडियो हाई वैल्यू रिपोर्टिंग एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं एंड आई होप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव द सफिशिएंट फीडबैक। टेक केयर अबाउट योर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस एंड देयर नेसेसरी रिपोर्टिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हाई वैल्यू रिपोर्टिंग। आगे लिए चलता हूं। अब सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न रख रहा हूं, शुड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस बी एक्सेप्टेड। जब आप हाई वैल्यू रिपोर्टिंग में जाएंगे और आपको फीडबैक के ऑप्शन मिलेंगे तो फीडबैक टाइप्स में दोस्तों आपको इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इंफॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन और ईयर और इंफॉर्मेशन इज डिनाइड के ऑप्शन मिलेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स पर जो आपके पैन में ई कैंपेन के अंदर EIS के साथ में रिपोर्ट होते हैं, SFT के अंदर जनरली क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होते हैं। और मैंने मेरी जो पिछली वीडियो इस विषय में बनाई थी उसमें बोला था कि सर एक लोगो आपको या एक मार्क ई करके लिखा हुआ मिलता है जिसमें आपको अपना फीडबैक देना जरूरी है। ज्यादातर क्रेडिट मार्क ट्रांजेक्शंस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सपेक्टेड का इंफॉर्मेशन लिख करके आपको वहां पर कनेक्ट करना चाह रहा है। एक्सपेक्टेड मीन्स कि आपको वहां पर अपना फीडबैक देना ही है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, एक व्यक्ति की इनकम है 8.5 लाख रुपए और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स हो गए 35 लाख रुपए। ये तो मैं बहुत कम अमाउंट बोल रहा हूँ सर, आप सरप्राइज होंगे, लोगों ने इससे भी बड़ी अमाउंट में ट्रांजेक्शन कर लिए विद द सैलरी इनकम बीइंग से अप टू 10 लाख एंड ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड के एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स में सर आपको लाखों रुपए में ट्रांजेक्शन मुझे देखने को मिले। अब नेचुरली ऐसे पर्सन बड़ी टेंशन में है कि अनूप जी मैं क्या फीडबैक वहां पे दूं। पहली बात ये समझने की है, अगर क्रेडिट कार्ड आपका है तो आपको इंफॉर्मेशन इज करेक्ट के अलावा क्या कोई और ऑप्शन वहां पर क्लिक करना बनता है? मेरी ओपिनियन में सीधा सा आंसर है नो, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड से ये ट्रांजेक्शन हुए। आप कहेंगे अनूप जी मैंने तो नहीं किए वो ट्रांजेक्शन, तो मेरे थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन के रूप में हुए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज किया, मेरे रिलेटिव्स ने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज किया, तो मैं बोलूंगा साहब ये आपने क्यों अपने क्रेडिट कार्ड को थर्ड पार्टीज के यूज करने का माध्यम बनाया। मैं बार बार अपनी वीडियोस में सर क्रेडिट कार्ड को थर्ड पार्टी के पर्पज से प्रयोग करने से डिसहार्टन करने के लिए बोलता हूं, मना करता हूं कि ऐसी प्रवृत्ति ना डेवलप करिए। फिर भी किसी से ट्रांजेक्शन तो हो गए। अब ट्रांजेक्शन हो गए तो क्वेश्चन आया कि क्या इंफॉर्मेशन इज करेक्ट भरना है, क्यों ना ये भर दूं इनकम इज नॉट टैक्सेबल। मैं बोलता हूं साहब इंफॉर्मेशन इज करेक्ट को तो आपको क्लिक करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन आपको नाम पर हुए क्रेडिट कार्ड के अंदर हुए हैं। अब इंफॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट आप कैसे लोगे? इंफॉर्मेशन इनकम इज नॉट टैक्सेबल का आप ऑप्शन कैसे लोगे? यहां इनकम का इशू ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग इनकम का ट्रांजेक्शन में मानता ही नहीं। लेकिन फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा क्यों सोचता है कि क्रेडिट कार्ड के प्रयोग का आपके ITR से लेना देना है? इसको एक उदाहरण से ऐसे समझे कि एक व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड से 35 लाख के ट्रांजेक्शन किए, इनकम केवल 8 लाख थी, तो फिर ये हुआ कैसे कि 8 लाख की इनकम वाला व्यक्ति 35 लाख की परचेजिंग करता है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पता कि आपके क्रेडिट कार्ड से जो 35 लाख के ट्रांजेक्शन हुए वो थर्ड पार्टी के ट्रांजेक्शन हुए, आपका खुद का प्रयोग तो से 2 लाख ही था, और जबकि बाकी का आपने बहुत से लोग रिवॉर्ड पॉइंट के लालच में दूसरों को अपना क्रेडिट कार्ड यूज करने देते हैं। मैं फिर बोलूंगा ये गलत प्रैक्टिस है, लेकिन अब हो गया ट्रांजेक्शन, तो आप इंफॉर्मेशन इज डिनाइड का ऑप्शन नहीं ले सकते। जब तक आप किसी एक पार्टी के लिए आपका क्रेडिट कार्ड नहीं यूज हुआ हो तब तक आप इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन भी नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो मेरा मानना है सर प्राइमा फेसाई इंफॉर्मेशन इज करेक्ट का ऑप्शन
सही बनता है। अब अगला होमवर्क क्या करना है उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। दोस्तों बात करता हूं हाउ टू रिपोर्ट क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन इन आईटीआर। यदि कोई मुझसे इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहेगा कि अनुप जी क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन को मैं अपनी आईटीआर में कैसे दिखाऊंगा, तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड में जो भी रिसीट आई है, सपोज क्रेडिट कार्ड से आपने स्पेंड किया 35 लाख का, तो इसका मतलब आपने क्रेडिट कार्ड में 35 लाख रुपए क्रेडिट भी रिसीव करी, यानी आपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट ली 35 लाख की, उससे खर्चे किए। अब आपने उस खर्चे को रिइंबर्स करने के लिए वापस से क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट 35 लाख का किया, इनकम मान लीजिए 8 लाख है। क्वेश्चन है कि साहब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गए 8 लाख से ऊपर 35 लाख में, वो अमाउंट कहां से आया? सपोज कोई कहता है जी मैंने लोन लिया, कोई कहता है सर मेरा नहीं है थर्ड पार्टी का ट्रांजेक्शन था। तो क्वेश्चन यही है कि अगर फ्यूचर में आपसे ऐसी क्वेरी आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से, तो आप प्रूव कैसे करेंगे कि ये जो मेरी इनकम के अलावा के ट्रांजेक्शन हुए हैं ये थर्ड पार्टी के, इसके होमवर्क क्या हो? मेरा ये कहना है अगर थर्ड पार्टीज के लिए आपने अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया, तो क्या आपने सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का एंट्री बाय एंट्री एनालिसिस किया? उसमें से कितनी एंट्रियां आपकी, कितनी थर्ड पार्टी की? ऐसी थर्ड पार्टीज जिनके लिए आपका क्रेडिट कार्ड फ्रीक्वेंटली यूज हुआ, ज्यादा वॉल्यूम में यूज हुआ, क्या उन पार्टीज की कंफर्मेशन है? उन पार्टी से कहीं कैश तो नहीं लिया आपने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने के लिए? यदि कैश भी लिया तो इसकी भी कंफर्मेशन रखिए। अगर आप ये होमवर्क करके चलते हैं तो भविष्य में आपको कुछ बचत हो पाएगी। नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए तो बहुत सरल है सर कि आपकी इनकम 8 लाख है और आपने 35 लाख के ट्रांजेक्शन किए, तो साहब 27 लाख रुपए आपकी अनडिस्क्लोज इनकम है, इसको जोड़ देंगे। ये अप्रोच दोस्तों बहुत खतरनाक है। मेरा पर्पज यहां आपको डराना नहीं है, परंतु मेरा पर्पज ये कहना है कि आप अपना होमवर्क प्रॉपर करिए ताकि कल कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इनकम जो रिपोर्ट है उससे ज्यादा के क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन आपकी इनकम में ना जुड़ जाए। अब दोस्तों बात करता हूं थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट कार्ड यूजेज, जो एक वास्तव में प्रिविलेंट समस्या है। मैं इसको समस्या मानता हूं, क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपके पेन पर इश्यू और आप थर्ड पार्टीज के ट्रांजेक्शन एंटरटेन करते हैं, तो फिर कम से कम जैसा मैंने पहले कहा थर्ड पार्टीज की कंफर्मेशन तो लेकर के रखिए, उसकी एक समरी तो बना के रखिए कि मेरा क्रेडिट कार्ड किस व्यक्ति के लिए यूज आया। उस व्यक्ति की कंफर्मेशन होगी तो कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा तो हम उनके बयान तो करा पाएंगे। ये अप्रोच डेवलप करना बहुत जरूरी है। किसी किसी मैटर में ऐसा हो सकता है कि आपकी बिजनेस इनकम से आपके क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन जुड़े। आप बोलेंगे अनुप जी मैं समझा नहीं। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस से संबंधित पेमेंट, चाहे पेट्रोल का खर्चा हो, डीजल का खर्चा हो, या कोई माल परचेस करना हो, क्रेडिट कार्ड यूज करके पेमेंट कर देते हैं। और फिर जैसे ही बिजनेस में माल आता है, बेचने से सेल करने से पैसा आता है, वो पैसा फिर क्रेडिट कार्ड के रीपेमेंट के रूप में चला जाता है। इसको मैं कहीं पर भी गलत नहीं मानता। आपको ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करना है और उन ट्रांजेक्शन से संबंधित इनकम आपने अपनी आईटीआर में ऑलरेडी दिखा दी है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, तो फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता मेरी ओपिनियन में नहीं होगी। कुछ केसेस में दोस्तों मैंने ये भी देखा कि लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग एक एडवांस के रूप में किया, टेम्परेरी एडवांस के रूप में, जिससे उन्होंने कोई एसेट खरीदी या कुछ कंस्ट्रक्शन करा लिया, से मकान का कंस्ट्रक्शन कराया। अब ये एक तरीके की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने जैसा था। जैसे जब तक मुझे होम लोन आता, मुझे होम लोन की किस्त रिलीज होती, तब तक मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। बाद में होम लोन की किस्त मुझे रिलीज हो गई तो मैंने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया। अगर आपके इस प्रकार के ट्रांजेक्शन्स हैं, फॉर एन एग्जांपल मैं कार खरीदने जा रहा था, मुझे कुछ एडवांस देना था, तो मैंने पहले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, बाद में मेरे को कार खरीदने के लिए लोन हो गया बैंक से, तो फाइनली मैंने उस लोन से अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दिया। मैं इन एंट्रीज को गलत नहीं मानता, नेगेटिव नहीं मानता। आपको ट्रांजेक्शन को एज सच एक्सेप्ट करना है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कल आपको पूछेगा कि हाँ सब क्रेडिट कार्ड का इतना प्रयोग किया, कैसे किया, तो आपको उसका सोर्स एक्सप्लेन करने के लिए ऑलरेडी एक एंट्री है, बैंक का सैंक्शन है आपके पास में, तो यू में सब्सटेंशिएट। तो ऐसी परिस्थिति में भी घबराने की जरूरत मेरी ओपिनियन में नहीं रहनी चाहिए। इसमें दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शंस में जब आप किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में करते हैं तो दो तीन चीजों का ध्यान रखिए। जैसे बहुत से लोगों के पास जब कुछ वर्षों बाद इनकम टैक्स का असेसमेंट खुलता है तो क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट तक नहीं उपलब्ध होते। दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को पीरियोडिकली जैसे जैसे स्टेटमेंट आए एनालाइज करके फाइल में लगाते जाए, ताकि भविष्य में जब
दो चार साल बाद अगर कोई इंक्वायरी होती है तो वी आर एबल टू एक्सप्लेन। तीसरी बात, थर्ड पार्टीज के साथ या उनके लिए जब आपका क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन होता है तो आप उन थर्ड पार्टीज की कंफर्मेशन रखें। मैं तो बोलूंगा थर्ड पार्टीज के लिए आपके क्रेडिट कार्ड का प्रयोग हो ही नहीं, और यदि होता है तो कम से कम आपके पास में कंफर्मेशन हो। चौथी बात, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड का प्रयोग रिवॉर्ड पॉइंट के लालच में करते हैं। मैं इसको लालच इसलिए बोलता हूं कि ये मेरी ओपिनियन में कहीं ना कहीं फंसाने वाला काम है, हालांकि बहुत से लोग इसका फायदा उठाते हैं। यहां तक मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग ऐसा प्रयोग कर रहे थे क्रेडिट कार्ड का कि 1, 2, 3, 4, 5 क्रेडिट कार्ड, पहले क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाया, यूज किया, जब उसका बिल का ड्यू आया दूसरे क्रेडिट कार्ड से पहले का पेमेंट किया, फिर दूसरे का ड्यू आया तीसरे से पेमेंट कर दिया, इस प्रकार मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का यूज किया। सिविल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मैं उनमें नहीं जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड का ये कुचक्र भी बहुत से लोगों को फंसा गया। इसके प्रति भी थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जनता जनार्दन को सतर्क करना, और ऐसे ट्रांजेक्शन मैंने उन्हें करते ज्यादा देखा है जो बहुत ज्यादा इस विषय में इनकम टैक्स एस्पेक्ट्स के प्रति अवेयर नहीं थे। बस उन्होंने तो टाइम बीइंग बहुत से क्रेडिट कार्ड इशू कराए, ट्रांजेक्शन किया, बाद में हो सकता है लॉस खा के या नुकसान करके बाहर निकल गए, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है कि आपने जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन किए एक तरह से आपकी इनकम है, तो आपको वहां सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। सो आई होप माई डियर फ्रेंड्स विद दिस वीडियो वॉट एवर मैसेज आई हैव गिवन यू मस्ट हैव गॉट दैट मैसेज एंड इट विल हेल्प यू to control your credit card transaction and report them from income tax purposes as and when income tax department would ask you. So thank you very much for being with me. Wishing you all the best. Jai Hind.